उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक आयुष जैन की सतर्कता से जांगड़ा जुगाड़ बलगांव क्षेत्र के दो तेंदुआ खाल के साथ 5 तस्करों को वन विभाग ने धर दबोचा, जिसके बाद उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट इनके विरुद्ध न्यायालय कार्यवाही करने जा रही है। गरियाबंद के उपनिदेशक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व आयुष जैन के निर्देशन में वन विभाग की एंटी पोचिंग टीम 5 संदिग्धों पर नजर बनाए हुए थे, मगर छत्तीसगढ़ ओडिशा के सीमा से इलाका लगा होने के चलते ओडिशा के वन विभाग भी अलर्ट किया गया था। इस दौरान उत्तर उदंती मैनपुर वन परिक्षेत्र के बरगावा जांगड़ा के जंगलों में 5 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल में 2 तेंदुए की खाल को बेचने के फिराक में थे। तभी उदंती वन विभाग की एंटी पोचिंग टीम और उड़ीसा के सीनापाली वन विभाग की टीम ने आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा। इनके पास से 2 तेंदुए के खाल बरामद कर लिया गया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की एंटी पोचिंग टीम को इन्फॉर्मेशन मिली मुखबिर और सूत्रों के माध्यम से कि लेपर्ड की स्किन है, 2 स्किन को लेकर लोग आ रहे हैं और ये स्किन उड़ीसा साइड से आ रही है, उसको लेके ग्राहक की तलाश में है। ये सूचना मिलने के बाद हमारी टीम एक्टिवेट हो गई और ढूंढ के उनको पकड़ निकाला। क्या मिला सर और उस पर क्या कार्रवाई की है? 2 लेपर्ड स्किन मिली है, उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बुक करके। कितने हैं तस्कर? कितने हैं? 5 तस्कर हैं इसमें, यहीं के रहने वाले हैं, नॉर्थ उदंती के रहने वाले हैं, उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बुक कर लिया गया है और हम उनको जुडिशियल कस्टडी में रिमांड में लेके जा रहे हैं। सर, हमारे क्षेत्र में शिकार ना हो इसके लिए वन विभाग उदंती का क्या?